हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी बेटी ने मेरे को ये चैनल बना के दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और मैं इस पे आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए मैं स्टार्ट करके आपको पढ़ाता हूँ। तो ये चैनल मैंने अपने पापा के लिए बनाया है, इस पे मेरे पापा आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा को पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, तो हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल की जो कंसेप्ट बताया है वो पढ़ाया है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब प्रोजेक्टाइल थ्रो ग्राउंड पे किया जा रहा था, ग्राउंड से किया जा रहा था, और ये जो है ग्राउंड पे ही पहुंच रहा था। ठीक है, अब जो आज से जो नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है कि हम प्रोजेक्टाइल को एक वर्टिकल हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वर्टिकल हाइट, सपोज करिए आपके घर की छत है, यहां से जो है आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट देखिए, वर्टिकल हाइट से तीन तरीके से प्रोजेक्शन होता है, इसका प्रोजेक्टाइल का तीन तरीके से होता है, उसमें से एक एक करके मैं तीनों आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब यदि आपने किसी पार्टिकल को या कोई बॉल या कोई भी चीज जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करी और वो थोड़ी देर में यहाँ पे ऐसे आके गिर गई। ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होंगे उनके लिए नई बात होगी, लेकिन जो थोड़ा पढ़ चुके होंगे उनके लिए इस टाइप के प्रॉब्लम उन्होंने बहुत किए होंगे। तो ये इसमें एक जो है केस है। दूसरा केस जो इसमें होता है कि आप यहां से अपनी छत से या किसी मीनार से टावर से थोड़ा सा वर्टिकल हाइट पे किसी एंगल पे आप थ्रो करते हो, यहां से थीटा बना करके, और वो फिर नीचे आके गिरता है। तीसरा होता है कि किसी एंगल से डाउनवर्ड एंगल लेकर के हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो आके नीचे यहां पे इस तरीके से फ्लो गिरता है। ये तीन केस होते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये बीच वाला ही हम केवल आज डिस्कस करेंगे, बाकी दो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए सवाल लगाते हैं, मतलब कंसेप्ट बताता हूं मैं, सवाल उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में एक बात बताई कि प्रोजेक्टाइल जो है तीन चीज का कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्टेटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वेक्टर, इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से प्रोजेक्टाइल हमारा बनता है, और इन तीनों का ही कंसेप्ट लगता है तभी हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यह है यहां पर भी यही चीज है। ये सपोज करिए आपके घर की छत है, आप छत पे खड़े हो और आपने यहां से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को थ्रो किया या बॉल को थ्रो किया और वो सामने इस तरीके से आकर के गिर गई। ठीक है, ये डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हो सकता है मेरे से हॉरिजॉन्टल ना बनना हो, उसको आप हॉरिजॉन्टल ही समझिएगा। ठीक, ये है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी, सपोज करते हैं यू दे दी। ठीक, देखिए कंसेप्ट इसका भी सेम है, कंसेप्ट इसका भी सेम है, लेकिन इसके फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलग है, वो ग्राउंड से था, ये एक तरीके से समझिए मैक्सिमम हाइट से है। ठीक है, वहां से है ये धरा रहा है डाउनवर्ड। ठीक, ये हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि आपने फ्लो किया सामने की ओर, सामने की ओर आपने थ्रो किया ऐसे करके, ठीक ऐसे करके आपने थ्रो किया ये, लेकिन ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ग्रेविटी, ये क्या है डाउनवर्ड मोशन इसका स्टार्ट हो जाता है, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि डाउनवर्ड मोशन के कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपने दी थी, केवल आपने उसको केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, अब ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लगी तो क्या हुआ, उसके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी बढ़ जाती है डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपने स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी दी थी, समझिएगा वी ना लिख करके मैं इसको लिखता हूं यू वाई, बड़ा बड़ा लिखू इसको, ठीक यू वाई, यू वाई डायरेक्शन में आपने इसको वेलोसिटी दी थी जीरो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी आपने यू। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी।
ठीक। लेकिन क्या होता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लगती है और इसकी वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी धीरे 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 करके बढ़ने लगती है और नीचे आकर के फाइनली बढ़ जाती है। सपोज करिए किसी टाइम पे ये यहां पे पहुंचा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है इधर टेंजेंशियल होगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक होगी हमारी वर्टिकल वेलोसिटी किसी टाइम टी पे, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा। अब क्या होता है कि यहां पे एक इसको वेलोसिटी मिल जाती है वी आफ्टर टाइम टी, वी टी मिलती है आफ्टर टाइम टी, और ये जो है ये वही रहता है यू एक्स आफ्टर टाइम टी, जो है वेलोसिटी इसकी वजह थी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है जिससे उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़े, ऐसा हम मान के चलते हैं। प्रैक्टिकल में होता है लेकिन ऐसा मान के चलते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्टिकल में जो है ग्रेविटी हमारा काम करती है इससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक। अब क्या होगा कि कॉम्बिनेशन के बाद जो है किसी भी इंस्टेंट पे यहां से यहां तक इसके पास जो है इंक्रीज वेलोसिटी मिलेगी, और वो क्या होगी वेलोसिटी, वो हमारी होगी वी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, एनी इंस्टेंट टी, इसको वाई कर देता हूं, एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी जो होगी वो होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये वेक्टर सम मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी पे, किसी भी टाइम पे हम इसकी वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारी एक पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता था। अब देखिए क्या होता है इसमें और हमको इसके सवाल कैसे करने चाहिए, इसको समझना कैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है, ठीक। अब उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था वो सारे काम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। सबसे पहले हमने काम ग्राउंड वाले में ये किया था, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यदि हम बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा, देखिए क्या होगा। सपोज करिए ये हाइट हमारी क्या है वाई है, और ये जो यहां पे स्ट्राइक किया ये एक्स है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो और टी टाइम में ये दिशा आ जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो देखिए एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा होगा यू एक्स टी, और वाई होगा हमारा जो होगा वो होगा यू वाई टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। एक्स और वाई का अलग अलग चलता है ये हम बता चुके हैं, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते हैं, जब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम वर्टिकल वेलोसिटी लेते हैं, उस चीज को इसमें पुट रखेंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यू वाई देखिए क्या है, यू वाई हमारा जीरो इनिशियल में, इनिशियल में हमारा यू वाई जीरो है, तो हम इसको यहां पे रख देंगे जीरो इंटू टी, ठीक है। और यहां पे जो प्लस लिखते हैं पहले हम इसको आपको सही से समझा दें, बिगाड़ करके मैं सही से बात बताता हूं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार फार्मूला तो ओरिजिनल हमारा यही है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे ए और जी क्या है वो भी हम देखते हैं, इसमें ए और वाई क्या है वो देखते हैं। अब देखिए इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं जीरो जीरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, देखिएगा सवालों में बड़ी गलती होती है इसमें। इससे हम नीचे आएंगे तो हम लेंगे माइनस, इससे ऊपर जाएंगे तो हम लेंगे प्लस, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको हम नीचे आएंगे तो इसको लेंगे माइनस और इसके ऊपर लेंगे प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस इधर लेंगे तो प्लस, ऐसा हम ओरिजिन मान करके इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वाई, वाई नीचे के डायरेक्शन में हमारा कवर हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। यू वाई हमारा है जीरो, देखिए हमने उसको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी, नीचे के डायरेक्शन में नहीं दी, इसलिए यू वाई हमारा जीरो हो गया इंटू टी प्लस, ठीक है। प्लस वन बाई टू और जी हमारा माइनस है, ये आ गया माइनस जी टी स्क्वायर, देखिए जी डाउनवर्ड नीचे की ओर लग रहा है और मैंने आपको बताया कि जो भी नीचे लग रहा है वो माइनस में रहेगा, तो ये आ गया माइनस जी टी स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा जो चीज आई यहाँ पे वो आया माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा वाई इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर,
इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। पूरी बात को समझ गए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई नई बात भी नहीं है। ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन इन स्टेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी सब में करते आ रहे हो, वहां पे यहाँ पे उसका अप्लीकेशन है, ठीक। अब देखिए क्या करें, इस जगह इस इक्वेशन को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स बाई यू एक्स, और जो कि है हमारा एक्स बाई यू, यू एक्स हमारा यू है, इसको हमने रख दिया यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे तो आ जाएगा वाई इजल टू वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो वाई इजल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक। देख लीजिए बच्चों इस तरीके से इसको किया जाता है, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री व्हेन पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड होरिजेंटली फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट, ये उसकी हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब हम एक्स और वाई की रिलेटिव पोजीशन कभी भी निकाल सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको कायदे से देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें एक चीज ये आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। अब यहां पे आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, दूसरा जो हमारा था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, कि पूरा आने तक नीचे से ऊपर से नीचे तक आने में इसको टाइम कितना लगा, जैसी बात है कुछ ना कुछ तो टाइम हमें लगेगा ही लगेगा। हम फाइनल टाइम की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट टाइम नहीं, इंटरमीडिएट टाइम की यहां से यहां तक पहुंचा दो टाइम, यहां से छोड़ा हमने यहां से पहुंच गया, इसमें कितना टाइम लगा। तो सपोज करते हैं बच्चों कि ये हाइट हमारी h है, ठीक है, h है, और यहां से आने तक इसमें टाइम इसको लगा t, कैपिटल t, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, या ठीक है। अब फिर वही कंसेप्ट दोबारा यहां पे लगाएंगे, देखिए y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ये हमने लगाया। अब देखिए y हमारा क्या है, h है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में इस रेस को हम माइनस h लेंगे, फिर आ गया माइनस h, यू वाई हमारा जीरो है, तो हमने इसको लिख दिया जीरो इंटू टी प्लस वन बाई टू इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर ना लिख करके, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर हम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, माइनस एच इक्वल टू माइनस वन बाई टू जी कैपिटल टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, तो ये आया जी कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच, और टी हमारा आ गया टू एच बाई जी टी स्क्वायर, ये आ गया, और इस तरीके से टी आ गया हमारा टू एच बाई जी, ये हमारा आ गया इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, आप इक्वेशन ना रटिएगा, देख लीजिए खाली, रट के करेंगे सवाल नहीं होंगे, कंसेप्ट अप्लाई करके करेंगे, हर एक सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, लेकिन कभी बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन होते हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन था उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला गया था, ठीक। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहां नोट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू टू एच अपॉन रूट जी, ठीक है, टू एच अपॉन जी का अंडर रूट, ये आ गया, ओके। अब यहां पे एक चीज और बची है कि यहां से यहां तक किस डिस्टेंस पे ये गिरेगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक एरोप्लेन जा रहा है, ऊपर से हमने कोई पैकेट गिराया तो वो कहाँ जाके गिरेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही होगा, बात समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे हमने इसको उधर वेलोसिटी दिया से, और जो है नीचे आकर के ये वहीं तक तो जाएगा जहां तक जो है जो इसको वेलोसिटी दी उसी हिसाब से वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमको वेलोसिटी दी हमने इसको, ठीक।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमने वेलोसिटी थी उसके कारण ये आगे बढ़ रहा है, और आगे कितनी देर तक बढ़ेगा, जितना इसका टी है यहां से आने तक जो टाइम लगा वो। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम आर या रेंज कह लेते हैं, वो होगा यू एक्स इंटू टी, क्योंकि यहां तक आने में उसको यही टाइम लगा, ठीक है। और यू एक्स हमारा क्या था, यू एक्स इस केस में था यू, यू कॉस थीटा, पिछला वाला मत रख दीजिएगा वरना हो जाएगा गड़बड़। हमेशा आप देखिएगा यू एक्स क्या है, यू वाई क्या है, वी एक्स क्या है, वी वाई क्या है, उसी को रखिएगा वरना हो जाएगा गड़बड़। और टी क्या है, टी यहाँ पे था तो हम इसको रख देंगे टू एच वाई जी अंडर रूट का, ये हो गया हमारा रेंज, ठीक, ये हमारा हो गया रेंज, ठीक। इस तरीके से इसमें इसके तीनों जो है टर्मिनोलॉजी जो थी रेंज की, हाइट की, और जो है टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो निकल गई, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा निकल गया। अब आता हूं मैं इसके सवाल पे। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि टी टाइम बाद यहाँ पे जो है एंगल क्या बनाया गया, थीटा कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूं, बहुत इजी होता है ये। देखिए ये वेलोसिटी हमको पता है u है, और ये हम निकाल लेंगे vy किसी भी टाइम पे, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, हैं, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा vy और ये हो गया vx। तो tan थीटा के टर्म में हमेशा निकाल के रखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, हमारा हमेशा एंगल निकल आएगा। और कई सवाल इस तरीके से आते भी हैं, अभी मैं करवा रहा हूं आपको, फिर आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं बनते हैं, थोड़े बहुत ही बनते हैं, ज्यादा कठिन भी नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसपे काफी बहस होती है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं, मेरे से भी काफी स्टूडेंट उस पर डिस्कस कर चुके हैं और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि समझ में क्यों नहीं आता है। अधिकतर बच्चों का भाव यही रहता है कि अच्छा सर आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम वही कह रहे हैं जो सही है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं वो बताता हूं, क्वेश्चन ये है कि ये एक छत है, इसी के डायरेक्शन में एक दूसरी छत है, ठीक है, दो पड़ोस पड़ोस में लोगों का घर है, वहां पे छत है, ठीक। क्वेश्चन ये कहा गया है ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्वेश्चन ये होता है कि एक पार्टिकल को या बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक, और फिर उसके बाद एक दूसरा पार्टिकल है उसको हमने नीचे की ओर छोड़ दिया, फेंका नहीं छोड़ दिया, ऐसे करके यहां से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। यहां पे कहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे करके फेंका, थ्रो किया आगे की ओर, और यहां क्या है कि ऐसे हमने छोड़ दिया, वेलोसिटी नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या किया था कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे थ्रो कर दिया, दूसरे में हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कंडीशन बताई जाती है, ये कंडीशन बताई जाती है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, ये ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इसका जो है बड़े एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों इक्वल है, इसमें हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो कर दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ने पे, तो कौन सा बॉल पहले पहुंचेगा, दोनों साथ में पहुंचेंगे, एक पहले पहुंचेगा दूसरा पहले पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, और अधिकतर बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज हैं, वो इसका जवाब ये देते हैं कि ये पहले पहुंचेगा ये बाद में पहुंचेगा। फिर समझाया जाता है, इसका सही आंसर है कि दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, ठीक है, बताता हूं कैसे आएगा पहुंचेगा और क्या है। काफी बहस होता है, एक मेरे से स्टूडेंट बोला सर मैंने ऐसा करके देखा है, फिर हमने उसको अपने तरीके से बात समझाई थी, उस चीज को मैं यहां नहीं कहना चाह रहा। फिर जो है यहाँ पे अधिकतर लोगों का कहना ये होता है, सोचना जो होता है कि ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये रास्ता कम है और ये रास्ता बहुत लंबा है तो ये वाला पहले पहुंचेगा, ये सब लोग सोचते हैं। तो मैं आपसे एक बात पहले कह रहा हूं, उस बात को सुनिए, आप पढ़ रहे हो साइंस,
आपको अपना नजरिया साइंटिफिक बनाना है और साइंटिफिकली ही सोचना है, ठीक है। ये बात जो सारे बच्चे सोच के कहते हैं कि ये ऐसे आ रहा है तो जल्दी देर में पहुंचेगा और ये सीधा आ रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, ये कोई भी आदमी कह देगा। आपको साइंस के नजरिए से चीजों को देखना है, उस नजरिए से नहीं देखना है जो एक आम आदमी देखता है, ठीक है। मैं आपके कंफ्यूजन को समझता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि क्या सोच रहे हो। जब मैंने भी पहली बार ये पढ़ा था तो मेरे भी दिमाग में बात आई थी, लेकिन बाद में जब इस पर डिस्कस हुआ तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। इसका सही जवाब है कि ये दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, भले इस वेलोसिटी को 1000 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, ठीक है, सोच लीजिए, और ये जर्र से ऐसे जाए, ठीक है, फिर भी जो है ये और ये साथ पहुंचेंगे। इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल, और मैं भी अपन बताता हूं, पूरी कोशिश करूंगा। अब चूंकि मैं ऑनलाइन हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि आपको क्लियर हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन मैं एक कोशिश जरूर कर रहा हूं, ठीक। सुनिए क्या होता है, नीचे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिर्फ है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी नीचे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरिजेंटल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी दे दिया से, ये बात एक अलग है, लेकिन नीचे आने के लिए हमारी ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी इसको खींच रही है, इसको भी खींच रही है जिसमें हमने छोड़ दिया धीरे से, और इसको भी खींच रही है जिसमें हमने ओरिजेंटल वेलोसिटी दे दिया। यहां पे जो डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई है, ये जीरो है और ये भी जीरो है। बात समझ रहे हैं आप, यहां पे हमने डाउनवर्ड वेलोसिटी इसको नहीं दी, होरिजेंटल वेलोसिटी दी है। डाउनवर्ड वेलोसिटी जीरो है, इसमें भी जीरो है, और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक तय कर रहा है, हैं, ये जो तय कर रहा है ये इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस तय करने में इक्वल वेलोसिटी से चली गई इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल इनिशियल वेलोसिटी से चली गई कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ही लेगा, ये बात है। हम इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे वो उतनी ज्यादा आगे चला जाएगा, कम देंगे पीछे आ जाएगा, लेकिन उसका वर्टिकल मोशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसको इक्वल टाइम लगता है, हम इसको ऐसे कतई नहीं सोचेंगे कि ये यहां से लंबी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ज्यादा आएगा। फाइनली हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली इसका यहां से यहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक होता है। हाँ, अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे देते तो ये डेफिनेटली जल्दी पहुंचता, लेकिन हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली जीरो रख रहे हैं, और जीरो रखने के कारण ये नीचे आने में उतना ही टाइम लेगा जितना ये लेगा, क्योंकि हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए वही डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। वेक्टर पढ़ा है अपने, हॉरिजॉन्टल मोशन इन स्ट्रेट टाइम किया है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, पहली बात तो इस टाइप का कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। और एक जो सबसे बढ़िया चीज होती है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि दूसरे को बताइए, आप आपस में डिस्कस करिएगा, मेरे इस वीडियो को बार बार चला के देखिएगा, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिएगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और ये बात सोचना बंद कर दीजिए और रटना भी बंद कर दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं उनके बात नहीं समझ में आती, नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं अच्छा रट लो यार, दोनों साथ में पहुंचेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यार ऑप्शन लगा देना, हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसे करने से आपके सवाल अच्छे सही तरीके से नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे सवाल करवाता हूं। बच्चों ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 45 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक टावर है, इस तरीके से टावर है, ठीक, यहां से एक जो है पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया जाता है सामने, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आएगा। तो इनका ये पूछना था, ये जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कितने समय बाद वेलोसिटी जो है होरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी,
ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल कितने समय के बाद ये बनेगा, ये पूछा, ये एंगल 45 कितने समय के बाद होगा, ठीक। अब देखिए इस सवाल को करते हैं, तो कहते हैं सपोज सपोज आफ्टर टाइम टी इट वेलोसिटी विल मेक 45 डिग्री फ्रॉम होरिजॉन्टल, ठीक है। हमने मान लिया कि टी समय के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले यू वाई देखेंगे, यू एक्स देखेंगे, यू एक्स हमारा कितना है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर देखेंगे यू वाई, यू वाई हमारा कितना है, कुछ नहीं, वर्टिकली में हमने कोई मोशन नहीं दिया इसको, तो जीरो है। लेकिन फिर वही बात होगी, ग्रेविटी इसको खींचेगी और ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हम निकालेंगे वी वाई आफ्टर टाइम टी, जो होगा यू वाई, ठीक, यू वाई और प्लस जी टी, ओके, यू वाई प्लस जी टी। अब देखिए डायरेक्शन हम देखेंगे तो माइनस, हमने कहा कि जो नीचे जाएगा उसको माइनस लेंगे, तो ये ले लिया यू वाई जीरो है और ये हो गया माइनस जी और टी, तो फिर ये आ गया माइनस वी वाई बराबर माइनस जी टी, हमारा जो है ये से ये कट गया और इस तरीके से आया वी वाई इक्वल टू जी टी, ओके। और यू वाई जो है वो ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा, ये वाला जो है ये यही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वी वाई हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए ये 45 आ गया, इसको हम आगे प्रोजेक्ट करके बनाएंगे, तो देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा वी वाई, ये हो गया वी और ये हो गया वी एक्स। तो टेन थीटा जो होगा हमारा वो होगा वी वाई बाई वी एक्स, देख लीजिए इसको वी वाई बाई वी एक्स। अब यहां पे ये हमारा टी टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई, टेन थीटा हमने इस ट्रायंगल से लिया है जो है बेस अपॉन, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा आ गया यहाँ पे टेन थीटा जो कि वी वाई बाई एक्स हो गया। ये हमें टेन थीटा आपको दे रखा 45, तो ये हो गया टेन 45 इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स और वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई हमारा कितना है जी टी है, तो हमने लिख लिया यहाँ जी टी डिवाइडेड बाई 20, टेन 45 की वैल्यू होती 1, इसका मतलब हो गया जी टी डिवाइडेड इज इक्वल टू 20 और टी इज इक्वल टू 20 बाई जी, हम यहाँ पे जी की वैल्यू ले रहे हैं 10, तो ये जाएगा 20 बाई 10 टी, और इस तरीके से जाएगा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएगी। ये हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। हाँ बच्चों, ये देखिए ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2000 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 6000 किलोमीटर पर आवर अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स द पॉइंट डायरेक्टली ओवर ए पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर, एट व्हाट एंगल ऑफ द साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज ए सर्वाइवल किट इफ इट इज रीच टू द पर्सन इन द फ्लड, ओके। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए एक एरोप्लेन है जो ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया एरोप्लेन इस तरीके से, ठीक है, एरोप्लेन हो गया इस तरीके से उड़ रहा है, यहां पे कहीं पे ग्राउंड पे एक आदमी है जो फ्लड में फंसा हुआ है और ये रिलीफ का जो है किट ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं फ्लड में, ठीक। अब ये यहां से आते हुए ये पायलट इसको देख रहा है, तो किस एंगल पे पहुंच के पैकेट को रिलीज करे कि ये डायरेक्ट इसको यहां पे इस तरीके से मिल जाए, ये सवाल है हमारा, ठीक। ये यहां पे हो गया, हमको क्या दे रखा है, हमको इसकी स्पीड दे रखी है u 600 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट है, हाइट दे रखी है यहां से 2000 मीटर, ठीक, और हमको कुछ नहीं दे रखा है, हमको यहाँ का एंगल निकालना है कि किस एंगल पे आदमी से यहाँ पे वर्टिकल से एंगल ये थीटा कितना हो,
तो हमको जहां पे ये पैकेट रिलीज करे और इस पर्सन को वो पैकेट मिल जाए। तो एंगल जो यहां होगा, ऊपर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसी को हम कंसीडर करेंगे और इसको मान के चले। तो सपोज करिए ये हाइट h है और ये r रेंज हो गया। तो बेसिकली हमको घुमा करके h और r में, मतलब r निकालना है, तब हम यहां से निकाल देंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू r बाई h और हमारा एंगल निकल आएगा। ठीक, ये चीज है इस सवाल में। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पीड u इनिशियल दे रखी है हमको 600 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 600 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड, ये आ गया, ये कट गया, तो ये आया 100, ये कट आया 3, तो ये आया 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड u आ गया ये वाला। ठीक, अब सपोज करते हैं कि ये जो पैकेट यहां से इसने रिलीज किया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, वो हमारा जो है नीचे पहुंचा टी टाइम पे। ठीक, टी टाइम पे, जाहिर सी बात है कि टी टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो कि एच, जो कि 2000 मीटर हमको दे रखी है। तो हम क्या लगाएंगे, एच इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 AT² फॉर्मूला हमने लगाया। एच हमारा कितना है, देखिए -2000, ठीक है, -2000 इज इक्वल टू यू आई है 0 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक, देख लीजिए आप आराम से इसको, तो ये हो जाएगा 2000 बराबर 2000 इज इक्वल टू -2000 के माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ये आया। ठीक है, जी की वैल्यू हम यहां रख देते हैं 10, तो आ गया 10। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 10 से इसका एक जीरो कट जाएगा, टी स्क्वायर आ गया हमारा 400, यानी कि टी हमारा आ गया 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्लियर। एच हमारा 2000 हमको दे रखा है, 20 सेकेंड्स में ये ऊपर से नीचे आ जा रहा है। अब बच्चों 20 सेकेंड्स में ये ऊपर से नीचे आया, इतनी डिस्टेंस है, तो उसी 20 सेकेंड्स में ये यहां से आगे भी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, ये आर निकाल लेते हैं। तो R हमारा क्या हो जाएगा, T हमारा आया 20 सेकंड। हम इसको थोड़ी देर के लिए बिगाड़ देते हैं। R हमारा होगा, R हो हमारा होगा UX इंटू टी। ठीक, तो UX हमारा कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी है हमारा 20। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये यहां से इतना आ गया। अब हमें ये निकालना है एंगल, एंगल निकालना है, तो एंगल हमारा क्या होगा, एंगल हमारा होगा r बाई एच। ठीक, r हमारा आया है, r इज इक्वल टू आया है 10,000 डिवाइडेड बाई 3 और h है हमारा 2000 मीटर। तो tan थीटा जो हो गया हमारा, वो हो गया r बाई एच, जो कि हो रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2000। ठीक है, ये कटा आया 5 और ये आ गया 5/3, tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ गया, और ये नियर अबाउट होगा 1.732 के, 1.7 के बराबर होगा। इसको लगभग लगभग हम रूट 3 मान लेते हैं tan थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमें देख रहा था 45, 30, 60, 90, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, 30 डिग्री का एंगल। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए हिल टॉप प्रोजेक्ट्स ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड वी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट स्पीड से यहाँ पे एक हिल है, हिल के टॉप से एक हॉरिजॉन्टली जो है स्टोन थ्रो किया गया, और एज सून इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया, टेकिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज गिवन इन द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक मैन ने यहां से हॉरिजॉन्टली एक स्टोन थ्रो किया, जो कि यहां से ऐसे चला और यहां पे आकर के यहां पे स्ट्राइक किया, तो इस स्ट्राइक वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि इसको हम ओरिजिन माने, 0 0 माने,
ठीक, ये यहां पे दे रखा है। अब देखिए हमको करना क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी uy वो है हमारी जीरो, और इसको h मान लेते हैं कि h हमारा इतना है। ठीक है, नीचे आगे h हो गया, ये हमें निकालना है। और इसका कोऑर्डिनेट निकाल, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको h मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, और ऑप्शन जो इसको दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि इसमें से क्या होगा, चलिए वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक, हमको इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। तो हम फिर वही बात, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। वाई हमारा यहाँ पे क्या है, वाई हमारा है यहाँ माइनस एच, और यू वाई क्या है जीरो इंटू टी प्लस वन बाई टू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एच माइनस एच इक्वल टू माइनस वन माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर, ये चीज आ गया। इसका मतलब ये माइनस से माइनस कट गया, और जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है एच इज इक्वल टू जी बाई टू टी स्क्वायर। सिमिलरली होरिजेंटल डिस्टेंस को लेंगे तो आर हो जाएगा एक्स इज इक्वल एक्स इंटू टी। ठीक है, आर हमारा हो जाएगा एक्स इंटू टी, ux r इक्वल टू ux इंटू टी हो रहा है, और ux हमारा दे रखा है v नॉट इंटू टी r इक्वल टू। अब देखिए इसमें थीटा भी गिवन है, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो t में नहीं आ रहा है, यानी कि हमको t इलिमिनेट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक, तो अब देखिए इसमें यदि हम थीटा यहां से निकालें तो इस ट्राइंगल को देख करके हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू h बाई r। इसका मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ये हमारा आ रहा है। हम इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, और इसको नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। ओके, ठीक है, ये ऑप्शंस आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं इसको रब करके इरेज करके फिर मैं सवाल करता हूं, या कोशिश करके ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए, ये मेरे ऑप्शन इस तरीके से लिखे हुआ, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। तो h इक्वल टू आया हमारा r tan थीटा, इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि r h इक्वल टू r tan थीटा का मतलब हुआ कि हम इक्वेशन वन में इक्वेशन टू की वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, h इक्वल टू r tan थीटा, तो h की जगह हम लिख देते हैं r tan थीटा इज इक्वल टू g बाई टू टी स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है हमारा v नॉट टी टेन थीटा बराबर जी बाई टू टी स्क्वायर, और t से ये कट गया, एक कट गया, तो हमारा टाइम जो आया इसके हिसाब से वो आया v नॉट टेन थीटा इज इक्वल टू जी बाई टू टी, जो कि हमको दे रहा है यहां से t इज इक्वल टू टू वी नॉट tan थीटा अपॉन जी। ये t की वैल्यू थीटा के टर्म में हमारी इस तरीके से निकल के आई। अब हम क्या करें, इस t की वैल्यू को इसमें रख दें तो हमारा h और r की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो t की वैल्यू को मैं यहां नोट कर लेता हूं, t इज इक्वल टू टू वी नॉट tan थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आया हमारा t। तो सबसे पहले हम निकालते हैं r जो कि लिखा हुआ है, तो r इज इक्वल टू हो गया v नॉट इंटू टी की वैल्यू है टू v नॉट tan थीटा अपॉन g, इस हिसाब से आ गया टू v नॉट स्क्वायर tan थीटा अपॉन g, ये वैल्यू आ गई r की। ठीक, अब h निकालना है, तो h है हमारा दिस मच t स्क्वायर, तो h एच आ गया हमारा जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा फोर वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। टू से कटा गया टू, और ये कट गया इससे, तो एच की जो फाइनल वैल्यू आई हमारी वो आई टू वी नॉट स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी ये आ गया। ठीक, तो हमारा जो पूछा था इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रखा था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट होंगे इसके आर कॉमा माइनस एच, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट, आर कॉमा माइनस एच इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब आर की वैल्यू क्या आई है, आर की वैल्यू आई है हमारी ये, ठीक है, दिस बाई जी, और एच की वैल्यू आई है ये। अब देखिए यहां आर की वैल्यू क्या है, टू वी स्क्वायर टेन थीटा बाई जी, टू वी स्क्वायर टेन थीटा बाई जी, एक तो ये है टू वी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी ये है, और एच आ रहा है टू वी नॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस टू, ये माइनस टू वी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई जी ये मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा, तो इसका ऑप्शन होगा पहला वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए कायदे से देख करके, थोड़ा सा वो हो गया है, हॉच पॉच हो गया है जगह कम होने की वजह से, इसको समझ के आप अपने आप कॉपी पे कर लीजिए, इसका ऑप्शन जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। ठीक, ये देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड होरिजेंटली फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर विद ए वेलोसिटी वी नॉट, इट विल बी मूविंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द होरिजेंटल आफ्टर टाइम दिस 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 दिस। अब इसमें से आपको चूज करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए एक टावर है इस तरीके से, ठीक है, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया इसके टॉप से होरिजेंटली वी नॉट से, और ये इस तरीके से आएगा नीचे। ठीक, तो ये थोड़ी देर बाद यहां से ऐसे वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने समय के बाद ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा होरिजेंटल से। ठीक, तो हम इसको देखें, तो इसको हम इधर प्रोजेक्ट कर दें इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा वी वाई और ये हो गया वी एक्स, तो टेन 60 जो होगा हमारा, टेन 60 इस फिगर को देख करके टेन 60 होगा वो होगा हमारा वी वाई बाई वी एक्स। ठीक, ये हमें निकालना है, अब कितने समय बाद होगा ये निकल जाएगा। अब यहां पे हमारा वी एक्स जो होगा वो थ्रू आउट दी जर्नी होगा यू एक्स के बराबर, जो कि हमको दे रखा है वी नॉट, सारी कहानी है वी वाई निकालने पे। ठीक, वी वाई, तो वी वाई हमारा होगा यू वाई प्लस जी टी, या ए टी लिख दें, ए टी लिखते हैं अभी फिलहाल ए टी, ताकि आगे आप जो क्वेश्चन अपने आप करें उसमें गलती ना हो। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यू वाई हमारा क्या है जीरो है और ए है हमारा माइनस जी, ठीक है, और वी वाई जो है वो है हमारा माइनस वी वाई, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर आ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नीचे की डायरेक्शन में हम सारा चीजें माइनस में रखेंगे। चलिए, अब हमने रखा माइनस वी वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो प्लस माइनस जी इंटू टी, ये आ गया, तो वी वाई हमारा निकल के आया माइनस वी वाई माइनस जी टी, और माइनस से माइनस कर गया तो वी वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा जी टी। अब कंडीशन हमको दे रखी टेन 60, तो टेन 60 हमारा हो गया v बाई बाई यू वी एक्स, वी वाई बराबर वी वाई बाई यू एक्स, टेन 60 हो गया हमारा रूट थ्री, और वी वाई हमारी आ गई जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स है, ये है वी नॉट, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो t हमारा आ रहा है रूट थ्री वी नॉट बाई जी, ये आया आंसर। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है, तीसरा चौथा भी नहीं, यानी इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक, तो बच्चों मैंने आज आपको प्रोजेक्टाइल का एक और जो है टॉपिक समझाने की कोशिश करी, उसके कुछ सवाल भी लगवाए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने आप सवाल करने की कोशिश करिए, बहुत इजी होते हैं। और अगला जो वीडियो होगा वो मेरा होगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम वर्टिकल एट ए सर्टेन एंगल, मतलब कि उसमें हम प्रोजेक्टाइल को एंगल से करेंगे लेकिन वो ऐसे जाएगा, वर्टिकल हाइट से ही करेंगे लेकिन वो ऐसे जाएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके भी कॉम्पिटिशन में सवाल आते हैं। तो बच्चों देखते रहिए मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स, मेरे पिताश्री की पाठशाला। तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो
देखना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे फिजिक्स की पाठशाला। ओके बाय बाय।